करीब 4 साल पहले से ठप पड़े हुए मुंबई के दूसरे सी लिंक के निर्माण कार्य ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। नए ठेकेदार के पास सी लिंक निर्माण का जिम्मा आने के बाद बांद्रा वर्सोवा सी लिंक समुद्र में आकार लेने लगा है। 2018 से बांद्रा वर्सोवा सी लिंक का निर्माण कार्य चल रहा है। पुराने ठेकेदारों के मंद गति से काम करने की वजह से 2022 के मध्य तक केवल 2% तक ही काम हो पाया था। ऐसे में मुंबई के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को गति देने के लिए सी लिंक तैयार करने का जिम्मा दूसरी कंपनी को दिया गया। इस कंपनी द्वारा 17 किलोमीटर लंबे सीलिंग के निर्माण का काम पिछले साल अक्टूबर में शुरू किया गया था। पुरानी कंपनी ने जितना काम 4 साल में किया था उसका 3 गुना काम नई कंपनी ने 6 महीने में कर दिखाया। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम ने एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार बांद्रा वर्सोवा सीलिंग 7% तक बनकर तैयार हो चुका है। कार्य की गति बढ़ाने के लिए बांद्रा जुहू समेत अन्य स्थानों पर काम आरम्भ हो चुका है। इन स्थानों पर पिलर बनाने का काम शुरू हो चुका है। पानी के भीतर पिलर तैयार करने और आवश्यक वस्तु वहां तक पहुंचाने के लिए अस्थायी ब्रिज तैयार करने का काम भी चल रहा है। इसके तैयार होते ही समुद्र के भीतर पिलर तैयार करने के काम की रफ्तार कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। 2026 तक इसका काम खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही है। 20 मिनट में सफर पूरा हो जाएगा। ब्रिज बनने पर 1.5 से 2 घंटे के बदले बांद्रा से वर्सोवा 20 से 25 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। इसके निर्माण पर कुल 11,332 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। जल्द ही वर्सोवा से विरार के बीच तीसरे सीलिंग का कार्य भी शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।